कि आज हमने जो रायता तैयार किया है, गर्मी की वजह से, गर्मियों में रायता बहुत खाया जाता है, इसको पकोड़ों, समोसे और पिज़्ज़ा फिंगर चिप्स के साथ डिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आए हम बताते हैं ये रायता कैसे तैयार होता है। मेरे चैनल में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मसालेदार रायता बना रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है, सबसे पहले मैं दही फेंटूंगी। ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है इसके लिए। इसके अंदर दही कभी भी खट्टी नहीं होती। आप मिट्टी के बर्तन में जब भी दही को रखें, खट्टी नहीं होगी, वो दो दिन आराम से चल जाएगी। अगर आप किसी और बर्तन में रखेंगे तो खट्टी हो जाती है। ये सादा रायता है, इसको हम पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, हम समोसे वगैरह खाते हैं जो, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकोड़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। ये आधा टीस्पून डालूंगी। ये दही का मसाला होता है जो रायते के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें थोड़ा सा ये भुना हुआ ज़ीरा डालूंगी मैं। इससे बहुत खुशबू आती है, भुने हुए ज़ीरे की बहुत ज़्यादा खुशबू है। और ये थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं हसबे ज़ायका, अपने ज़ायके के मुताबिक। और उस मसाला जो हमने डाला है दही बड़े का, उसमें हल्की हल्की मिर्चें हैं, यानी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सादा रायता तैयार हो गया है, झटपट तैयार हुआ है। कोई इसमें जल्दी होता है, जैसे मेहमान आए फटाफट तैयार करो, कोई समोसों के साथ या किसी भी चीज़ के पकोड़ों के साथ आप उनको पेश कर सकते हो। फिंगर चिप्स के साथ भी इसको खा सकते हैं, पिज़्ज़ा है होता है उसके साथ भी खा सकते हैं हम इस। ये हमारा रायता तैयार हो गया है, इसे आप बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कैसा बना है। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।